ब्रज में बसंत उत्सव से ही होली का आगाज हो जाता है, जो कि अब धीरे धीरे चरम पर पहुंचने लगा है। गोकुल स्थित काशिप संत गुरु शरदनंद जी के रमणैती आश्रम में होली महोत्सव के दौरान 92वीं गोपाल जयंती मनाई गई। यहां विशेष अनूठे आयोजन के दौरान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अद्भुत अलौकिक स्वरूपों के साथ गुलाब के फूलों, लड्डुओं व प्राकृतिक रंगों से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच अनूठे अंदाज में होली खेली गई। यहाँ भक्त व संतों ने मिल एक दूसरे पर प्रेम रस बरसाकर होली खेली। वहीं श्री कृष्ण व राधा रानी के स्वरूपों के साथ भी फूलों की बरसाकर होली खेली। इससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण और राजधानी की लीलाओं का मंचन भी हुआ। इस बार इस वार्षिक समारोह में लाखों की संख्या में देश भर से भक्त व श्रद्धालु शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर उदासीन काशिक आश्रम रमरैती के पीठाधीश्वर काशिप संत श्री गुरु शरणानंद महाराज ने भी भक्तों के साथ होली खेली। संत की पिचकारी से भक्तों पर रंगों की निकली बौछार को अपने ऊपर लेने को श्रद्धालु लालायित दिखे। इस बार रमणरैती आश्रम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां डीएम मथुरा पुलकित खरे एवं एसएसपी शैलेश कुमार पांडे भी शामिल हुए, बल्कि उन्होंने भी फूलों व प्राकृतिक रंगों की होली का आनंद लिया। क्या कहना है डीएम पुलकित खरे का, आइए सुनते हैं। बहुत आनंद आ रहा है, रमणरैती हमारे सतगुरु महाराज हैं, यहाँ पे बहुत धूमधाम से होली खेली जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब वासियों से निवेदन है कि सब आए यहाँ पर, पूरा साल इंतजार करते हैं होली का, बहुत अच्छा लग रहा है। होली ने रसिया की जय। हम दिल्ली से आए, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत आनंद आया यहाँ पे आके, होली में बहुत मजा आया। रमन बिहारी लाल की जय। हम 13 दिन से आए, बहुत अच्छा लग रहा है। 10 साल से हम सोच रहे थे कि आज का दिन हम आ गए, हमें सौभाग्य मिला, आज का दिन हमने महाराज जी के साथ होली का उत्सव मनाया, हम बहुत खुश हैं। महाराज जी की कृपा होली जो हम यहाँ आए। और ब्रिज की रंगीन होली की शुरुआत आज रमणरैती आश्रम से हुई है, जिसमें हमें पूरे ब्रिज में आने वाले दिनों में अलग अलग प्रकार से जिस तरह से ये रंगोत्सव मनाया जाएगा उसकी झलक यहाँ देखने को मिली। और फूलों की होली का भी यहाँ पे आयोजन हुआ। मैं सभी ब्रजवासियों को, मथुरावासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएँ देता हूँ। रंगों का ये त्यौहार आप सबके जीवन में रंग लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए हैं, इसी यही मेरी शुभकामना है। लाठी आपकी नजर आपके सामने लाठी बरसी है, क्या कहेंगे? प्रेम की लाठियाँ थी, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई लाठियाँ थी, और उसी भाव से होली के त्यौहार में आगे भी हम लोग प्रेम के और रंगों के साथ उसको मनाते रहे।